Good morning students. In this video we will solve exercise 19.2 for chapter speed, distance and time class 5th. मैंने आपको इससे पहले exercise 19.1 कराई थी speed, distance and time की. आज हम देखेंगे exercise 19.2. So first question is fill in the blanks. हमें given है यहाँ speed, question number 1 में time. We have to find out distance travelled. So first question is speed is 80 km per hour, time is 4 hour. तो distance निकालनी है. distance का formula होता है speed multiply time. speed हमारी किलोमीटर में, देखिए जब हमारी unit किलोमीटर में होती है तो हमारा time hour में होना चाहिए, और जब हमारी speed meter में होती है तो हमारा जो समय है, जो time है, वो second में होना चाहिए. तो यहाँ पे किलोमीटर में है तो हमारा टाइम आर में है, तो बिल्कुल ठीक है, इसमें हमें कोई चेंज नहीं करना है. सो स्पीड हमारी दे रखी है 80 रख दिया, मल्टीप्लाई टाइम दे रखा है 4 8 4 32 320. स्पीड की डिस्टेंस कितनी आ गई 320 किलोमीटर. क्वेश्चन नंबर बी देख लेते हैं. 130 किलोमीटर पर आवर और टाइम है 7 आवर. देखिए किलोमीटर है तो यहाँ पे आर में टाइम है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम. स्पीड की जगह स्पीड रख देंगे, मल्टीप्लाई टाइम की जगह टाइम. 13 7 जा होता है 19 1, और 0 का 0 लगा देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 9 10 किलोमीटर. क्वेश्चन नंबर सी है 45 मीटर पर मिनट और 45 टाइम है, टाइम ड्यूरेशन है 45 मिनट. तो फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल्स टू सॉरी डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम. तो स्पीड हमारे पास है 45 मीटर पर मिनट, तो मीटर पर सेकेंड होनी चाहिए. मैंने बताया जब मीटर में होता है, जब हमारा किलोमीटर में होता है तब हमारा आर में होना चाहिए, और जब मीटर में होता है तब सेकेंड में होना चाहिए. तो उसको हम सेकेंड में चेंज करेंगे. सेकेंड में चेंज मिनट से सेकेंड में करने के लिए हमें इसको 60 से डिवाइड करना होगा, तो ये आ गया. फिर हमें टाइम दे रखा है, टाइम भी 45 मिनट में है, तो मिनट से सेकेंड में करने के लिए इसमें हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो डिस्टेंस रख देंगे यहाँ पर हम स्पीड इनटू टाइम. डिस्टेंस क्या थी और स्पीड क्या थी, 45 अपॉन 60. टाइम क्या था, 45 मल्टीप्लाई 60. 60 से 60 कट गया, 45 मल्टीप्लाई 45 हो जाएगा. तो हमारी डिस्टेंस निकल के आएगी 2025 किलोमीटर या मीटर, मीटर, बिकॉज हमारी जो यहाँ पे स्पीड थी वो किस में थी, मीटर में थी, तो मीटर में आंसर आएगा, ये हमारा हो जाएगा आंसर. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द डिस्टेंस. डिस्टेंस फाइंड करनी है, स्पीड दे रखी है, टाइम दे रखा है. स्पीड है हमारी 540 किलोमीटर पर आवर, टाइम है 1 आवर 30 मिनट. देखिए मैंने बताया किलोमीटर में तो हमारा टाइम आर में होना चाहिए, मगर यहाँ पे ये तो 1 आवर है मगर 30 मिनट है, तो मिनट को भी हमें आर में कन्वर्ट करना होगा. तो स्पीड गिवन लिखेंगे, गिवन है हमारे पास स्पीड 540 किलोमीटर पर आवर और टाइम है 1 आवर 30 मिनट. तो क्योंकि 1 आवर तो ऑलरेडी आर में है तो इसको तो कुछ चेंज करेंगे नहीं, तो हम 30 मिनट को आर में चेंज करेंगे. 30 मिनट को अगर हम आर में चेंज करेंगे तो हमें 60 से डिवाइड करना होगा. 60 से हम डिवाइड करेंगे तो आर में चेंज हो जाएगा. 0 से 0 कट गया, 3 1 जा 3 3 2 6, तो ये आ जाएगा 1 आवर प्लस 1 बाई 2 आवर. हम एलसीएम ले लेंगे, 201 के एलसीएम 2 आएगा, उसको सॉल्व करेंगे तो 3 बाई 2 आएगा. देखिए ये आ गया 1 आवर, और ये एलसीएम लेंगे तो ये 2 आएगा. 1 के टेबल में 2 आता है, 2 टर्म्स 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 2 आ जाएगा. प्लस लगाया तो 2 के टेबल में 2 आता है, 1 टर्म 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 1, तो 2 प्लस 1 3 बाई 2 आवर आ जाएगा. अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस इक्वल्स टू होता है स्पीड इनटू टाइम. तो स्पीड हमारी क्या दे रखी थी, 540 किलोमीटर पर आवर, और हमने टाइम भी 3 आवर में निकाल लिया, 3 बाई 2 आवर. तो 2 1 जा 2 2 से इसको एलिमिनेट करेंगे, 2 1 जा 2 2 से जाएगा 270 टर्म, और 270 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो हमारा जाएगा 810 किलोमीटर. ये आ गई हमारी डिस्टेंस. क्वेश्चन नंबर बी है. इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे. बी, स्पीड इक्वल्स टू 300 किलोमीटर पर आवर एंड टाइम है 1 आवर 50 मिनट. फिर से देखिए किलोमीटर में है तो हमारे यहाँ पे टाइम आर के साथ मिनट्स में भी दिया है, तो मिनट को भी हमें यहाँ पे आर में चेंज करना होगा. सो गिवन है स्पीड इक्वल्स टू 300 किलोमीटर पर आवर और टाइम है 1 आवर 15 मिनट्स. तो उसको हम ब्रेक कर लेंगे, देखिए ये तो आर में ऑलरेडी है, और मिनट्स को आर में चेंज कर लेके हमें 60 का डिवाइड करना होगा. तो देखिए 15 1 जा 15 15 4 जा 60, तो ये आ गया 1 आवर प्लस 1 बाई 4 आवर.
पहले मिनट में था, आर में चेंज कर लिया। एलसीएम लेंगे 104 का एलसीएम 4 आएगा, 1 के टेबल में 4 आता है 4 टर्म, 4 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 4, प्लस का प्लस 4 उसके टेबल में 4, 1 टर्म आता है 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 1, 4 प्लस 1 5 बाई 4 आर आ जाएगा। अब हमें निकालने क्या है, डिस्टेंस निकाल लिया। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम, स्पीड की रख दी टाइम रख दी 4 1, जब 4 के टेबल से सॉल्व करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 75 टर्म्स एलिमिनेट हो जाएगा, 75 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो हमारी डिस्टेंस आ जाएगी 375 किलोमीटर। आंसर क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। द स्पीड ऑफ एन एरोप्लेन इज 570 किलोमीटर पर आवर, हाउ फार विल इट गो इन 7 hours 30 minutes। देखिए स्पीड क्या दे रखी है एरोप्लेन की, यहाँ पे लिखेंगे स्पीड ऑफ एन एरोप्लेन इज 570 किलोमीटर पर आवर और टाइम दिया है 7 hours 30 minutes। जबकि हमारा स्पीड किलोमीटर में है तो ये हमारा टाइम भी किस में होना चाहिए, आर में होना चाहिए, तो मिनट को हम आर में चेंज करेंगे, आइए तो ऑलरेडी आर में है, सो डिवाइड करेंगे 60 से तो आर में चेंज हो जाएगा, 30 into 30 into 60 तो ये आ जाएगा 1/2। एलसीएम लेंगे 1 और 2 का, इसे 1 सपोज कर सकते हैं हम, तो 1 और 2 का एलसीएम 2 आएगा, 1 के टेबल में 2, 2 टर्म्स आता है 2 7 जा 14, प्लस लगाए प्लस 2 के टेबल पर 2, 1 टर्म आता है, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 आ जाएगा, 14 plus 1 50/2 hours। नाउ ये फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम, स्पीड और टाइम 2 के टेबल इसको सॉल्व करेंगे 285 टर्म्स जाएगा और 285 का अगर मल्टीप्लाई 15 में करेंगे तो हमारी डिस्टेंस आ जाएगी 4275 किलोमीटर। ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, मनु रन्स फॉर 30 सेकेंड्स एट अ स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड, हाउ मच डिस्टेंस डज ही कवर इन द टाइम। स्पीड दे रखी है 5 मीटर पर सेकेंड, टाइम दे रखा है 30 सेकेंड, जब हमारी स्पीड मीटर में होती है तो हमारा टाइम होना चाहिए सेकेंड में, तो सेकेंड में दे रखा है तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। फॉर्मूला लगाएंगे डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम 30 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो हमारी डिस्टेंस आ जाएगी मीटर में, बिकॉज मीटर में थी तो डिस्टेंस हो जाएगी 150 मीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ मेघना रन्स एट अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, वॉट डिस्टेंस विल शी कवर इन 30 मिनट्स। तो देखिए स्पीड दे रखी है हमारी मीटर पर सेकेंड में, टाइम दिया 30 मिनट्स, तो मैंने बताया जब मीटर में होती है स्पीड तो हमारा जो टाइम होना चाहिए सेकेंड में, तो सेकेंड में चेंज करने के लिए टाइम को मिनट से 60 का मल्टीप्लाई करेंगे, 60 3 जा 30 जा 180 100 हो जाएगा 1800 सेकेंड। फॉर्मूला लगाएंगे डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम, स्पीड रख दिया टाइम रख दिया तो हमारा आंसर आ जाएगा 3600 मीटर। यहीं पर आपकी एक्सरसाइज 19.2 कंप्लीट हो गई है, इतना आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।